झारखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम अब इस दुनिया में नहीं रहा। बैरमो से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीएम हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक प्रकट किया था। राजेंद्र सिंह की 2 मई को तबीयत बिगड़ने के बाद एयरलिफ्ट कर फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। रविवार 24 मई को उनका निधन हो गया था। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है। उनके बैरमो स्थित घर पर आज सुबह से उनके चाहने वाले लोगों का अंतिम दर्शन करने को लेकर तांता लगा रहा। अंतिम यात्रा में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अंतिम यात्रा में शामिल होने आए झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं उनकी छाया में बड़ा हुआ हूँ, सदैव उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। उनका कार्यकाल नील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। हमें उनके जीवन काल से प्रेरणा लेने की जरूरत है। देखिए, आज हम लोग आदरणीय वर्तमान विधायक हम लोगों के अभिभावक के रूप में अपना मार्गदर्शक करते रहे। राजेंद्र सिंह जी का कल परसों निधन हो गया है। आज उनके इस अंतिम संस्कार में बड़े पैमाने पर हमारे राजनीतिक सहयोगी, राजनीतिक लोग आज इनके इस अंतिम यात्रा में शरीक हुए हैं। और क्योंकि हम लोग इनको एक विधायक और नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने अभिभावक के रूप में देखते आए हैं बचपन से लेकर के आज, हम लोग इनके इन ऐसे लोगों के छत्र छाया में हम लोग पले बढ़े हैं। आज उनके हमारे बीच से चले जाने से हमें काफी दुख है। और निश्चित रूप से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जो व्यवहार रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लोगों के साथ रहा हो, ऐसा व्यवहार पाना मुश्किल है। और शायद इनकी जगह को भी भर पाना भविष्य में मुश्किल है। आज निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र के एक हम लोगों ने रत्न खोया है। आज हम सभी लोग उनके इस अंतिम यात्रा के इस कड़ी में भी सभी लोग मिलकर आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके जो जीवन काल का समय रहा है, आप सब लोग मीडिया के बंधु बहुत करीब से इनको आप लोगों ने भी देखा समझा जाना होगा। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से पिता तुल्य ही इनको भी मानता रहा हूँ। और आज कहीं ना कहीं ये दिल के अंदर एक दुख की घड़ी और दुख का एक एहसास मन में है
लेकिन जीवन चक्र के इस चक्र में सब लोगों को आना है, जाना है। इस समय हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इनका जो छवि रहा है, इनकी जो सोच रही है, वो सोच मैं समझ रहा हूँ आने वाला समय में एक अमर होकर रहेगा और हम सब लोग उनको सदैव याद। मुख्यमंत्री जी, इनका कई हॉस्पिटल जब ये पूर्व मंत्री रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री रहेगा। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं। वो मुझे थोड़ा सा समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो इन्होंने काम किया था, अलग राज्य बनने के बाद बतौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो इन्होंने काम किया है, वो आज इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित है। और जो उन्होंने लकीर खींची थी, शायद मैं समझता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी लकीर अभी भी बहुत लंबी है और निश्चित रूप से उसे पार करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और इनकी जो सोच रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब हमारी सरकार इसको पूरा करेगी। और कोई दूसरा? क्रैक JEE लाइक अ बॉस यूजिंग साइंटिफिक स्टडी मटीरियल, लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन इंडिया। Highest selection rate in JEE with 1000 plus selections every year. VMC mein ho gaya, samjho JEE ho gaya. Want to crack IIT JEE? Join VMC and learn from the best. VMC ho gaya, samjho JEE ho gaya. Want to become a doctor? Join VMC. Crack NEET or get fee refund. NewsLens channel ko YouTube mein subscribe kare aur khabre sabse pehle dekhne ke liye bell button jarur dabaye. न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है